नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर संविधान रचयिता भारत रत्न श्री भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया। मामला इटिया थोक ब्लॉक के ग्राम बहलोलपुर के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का है, जहां प्रधान आचार्य प्रतिमा मिश्रा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर ना तो पुष्पांजलि अर्पित की और ना ही करने दी। जब इस घटना की जानकारी वहां के सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों को हुई, तब लोगों ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। इस बात पर प्रधान आचार्य ने कहा कि आज राष्ट्रीय झंडे का पर्व है और इसीलिए ना तो इनकी फोटो लगाएंगी और ना ही लगाने देंगी। और इसी बात पर प्रधान आचार्य ने कानून और संविधान को ताक पर रखते हुए अपनी नौकरी का गुरूर भी दिखाना नहीं छोड़ा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जनपद गोंडा ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। अम्बेडकर जयंती को फोटो लोग ये बोर्ड लगा के बनाती हैं सब। हम बीएसए से बात करेंगे, अभी वो हम फंसे हुए हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि फोटो लगाने के लिए आपसे आदेश लेंगे मैडम, तो फोटो लगाएंगे। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। आप ये बताइए, बहुत सीधी सीधी बात ये बताइए कि आप जैसे फोटो के बारे में क्या सोच है आपको? जाता है कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए चीज ना। चार साल हो गए, हम कभी टिप्पणी ही नहीं किए इसके बारे में, हमने तो कभी कहा नहीं। आप लगाने के लिए ये कह रही हैं कि इसकी क्या हो सकता है, सुना है नहीं, हमें थोड़ा सा ये कष्ट हुआ। आपने कहा कि आज तो सिर्फ तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। नहीं, ये आपको कहना है सबसे पहले अपना देश है, उसके बाद नहीं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, अभी एकरे बारे में ही है। जैसे मान लो कोई कहा तो आपका ही ना कहे चाहिए, आप कुछ तो कहा भी क्यों, तब लोग तो परेशान थे। आपने क्या कहा? हम तो भाई सुने नहीं, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सबसे पहले अपना देश तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि तिरंगे का सिलेक्शन क्या मैंने किया है। ये कोई कि हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक बार फिर ये भी तो देखना है कि संविधान का निर्माता कौन। आग का मुझे हम तो सम्मान करना चाहिए। अब ये डीएम डीएम जुडिशरी में चले जाइए, हर जगह चले जाइए, फोटो लगा है। एक बार आदेश भी हुआ था, पीएम का आदेश भी था एक बार। अब बैठो बैठो, कोई फोटो नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं। पीएम कह रहे हैं कि बिना आदेश के फोटो आपके वहाँ नहीं लगेगा। अब ये बताइए, बहुत छोटी छोटी, जैसे अब कहूँ कि कोनो आदेश ना रहे, आप बिना आदेश के फोटो नहीं लगेगा, हम ये पूछ रहे हैं, आप बताइए इसके बारे में। नहीं, मेरे यहाँ सक्सेसफुल नहीं है फोटो लगाना। हम ये पूछ रहे हैं कि आप बिना आदेश के फोटो कोई नहीं लगाएंगे। आदेश कहाँ किसी से मांग रहे हैं? अभी आप कह रही थी कि कोई आदेश तो आया नहीं, लिखित तो मिला, स्कूल के लिए। मैं भी कह रहा हूँ, कोई ये पर्सनल की बात थोड़ी है। तो लिखित आया, चलो बेटा।